नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा की विजयनगर पुलिस चौकी से सटी सोने की दुकान में दिन दहाड़े हुई डकैती। नालासोपारा अंतर्गत अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित सोने की दुकान को ही लूट लिया। जी हां, नालासोपारा के अपराधियों में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भय और खौफ नहीं रह गया है। यह बात आज शाम को 6 बजे के आसपास तब सिद्ध हो गई जब नालासोपारा तुलिंज पुलिस थाने की हद में आने वाली विजयनगर बीट चौकी से कुछ ही दूरी पर मौजूद उत्तम ज्वेलर्स नाम की सोने की दुकान में ग्राहक बनकर आए अज्ञात लुटेरे ने दुकान मालिक को सोने की चेन दिखाने का कहा। दुकानदार ने लुटेरे को ग्राहक समझकर अपनी दुकान में रखी सोने की चेन की ट्रे निकालकर रख दी। लुटेरे ने दुकानदार को बातों में उलझाकर मौका देखते ही 18 ग्राम वजन की 80,000 रुपये कीमत की 3 चेन ट्रे समेत उड़ा ली और भाग खड़ा हुआ। दुकानदार जब तक लूट को समझ पाता तब तक आरोपी लुटेरा भाग गया था। बाद में दुकान मालिक की सूचना पर तुलिंज पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। इस लुटेरे द्वारा की गई लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे भी हर कहीं पे भी होने वाली चोरी या डकैती जैसी घटना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होती है, लेकिन इस बार की लूट पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घटना विजयनगर पुलिस चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर घटित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। करके दुकान का नाम है। क्या घटना घटी आपके साथ? 5:30 बजे 5:30 से 6 के बीच में एक कस्टमर बन के कैप पहन के एक इंसान आया और वो मेरे को बोलता है इधर से सामान निकाला। मैंने तो चेन के लिए पूछा, तो उसको मैंने पूछा बजट कितना है, तो उसने बताया 50,000 तक का मेरा बजट है। मैंने दोनों चेन का ट्राई नीचे निकाला और एक बार उसको पहनाया, दूसरा बार पहनाया, तो उसने दूसरा जो चॉइस किया वो मैंने साइड में रख दिया और एक ट्राई इधर पड़ा था और एक इधर पड़ा था, तो उन्हें जैसे एक रखने गया तब तक वो लेके निकल गया। तो आपने पुलिस प्रशासन को इत्तला की? हाँ, की है। अभी क्या कहे? वो बोल रहे कार्रवाई करेंगे। नालासोपारा ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केसर सिंह राजपूत नालासोपारा, और ये मेरे को अपना उत्तम ज्वेलर्स से मेरे को फ़ोन आया था नरेंद्र भाई का कि मेरी दुकान में रोबरी हुई है, तो मेरे को तुरंत मैं अपना टीम लेके पहुंचा। तब फिर पुलिस प्रशासन भी आए यहाँ पे और उनको हमने बोला कि हमारे व्यापारी के साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो फिर हमने साहब से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा ऐसा ऐसे व्यापारी के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है और चोर लोग ऐसे दिन से दिन वारदात बढ़ रही है, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और हमारा माल वापस जल्दी हमको मिलने का कष्ट करा। ये हम लोग व्यापारी प्रशासन से चाहते हैं कि ऐसी घटना न घटे, इन भाई से हुई है दूसरी बार और ऐसी घटनी चोर से जल्दी जल्दी पकड़ने का कष्ट करे, ये हम लोग चाहते हैं सर। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं